Hi everyone, so today learn fashion designing with very simple step. So आज हम करने वाले हैं stitching और cutting का जो process है वो already हमने complete किया हुआ है, फिर भी मैं explain करूँगी आज की class में. आज की complete video समझने के लिए कल जो हमने video upload किया है ड्राफ्टिंग डिज़ाइंस एंड कटिंग वो ज़रूर आप एक बार वॉच कीजिएगा, बिकॉज कल हमने पूरी ड्राफ्टिंग की है, डिज़ाइंस की है और पैटर्न बनाया है. और आज हम बनाने वाले हैं बॉक्स प्लेट से बहुत ही प्यारा एक स्कर्ट. साथ में मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ कि फैब्रिक आज हमने कौन सा लिया है. और मैं आज आप लोगों के साथ ये भी शेयर करने वाली हूँ कि कितने तरह के फैब्रिक हैं जो स्कर्ट के लिए, लॉन्ग स्कर्ट के लिए, प्लेट्स स्कर्ट्स के लिए बेस्ट होते हैं. चलिए अब हम आपके साथ शेयर करते हैं जल्दी से ये प्यारा स्कर्ट की कटिंग एंड स्टिचिंग. तो गाइस आपके सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल फैब्रिक. सो प्रिंटेड फैब्रिक है ये, पूरे 3 मीटर्स 3.5 मीटर्स हैं. सो गाइस आपके सामने स्क्रीन पे जो फैब्रिक देख रहे हैं प्रिंटेड फैब्रिक है, ये है मैसूर सिल्क और सेकेंड वन है रॉ सिल्क. सो सिल्क फैब्रिक इज़ वेरी गुड फॉर होल्ड प्लेट्स. और हमें ये फैब्रिक पर ध्यान देना चाहिए कि थिन है या थिक है. सो हम आज इस्तेमाल करेंगे कॉटन फैब्रिक, बिकॉज दिस कॉटन फैब्रिक इज़ बेस्ट एंड एवरी कॉटन फैब्रिक इज़ बेस्ट फॉर स्कर्ट, बिकॉज कॉटन फैब्रिक जो प्लेट्स होल्ड करने में बहुत अच्छा इसका लुक आता है और प्लेट्स काफ़ी अच्छे बनते हैं कॉटन फैब्रिक में. सो गाइज आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे बॉक्स प्लेट विथ योक, बहुत ही सिंपल और इजी स्टेप में, और ये 4 स्टेप में कंप्लीट होगा आज का स्कर्ट. और इस तरह से आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं फैब्रिक भी बहुत प्रीटी है. साथ में मैं बताऊंगी कि हम स्ट्रेट लाइन के फैब्रिक को कैसे इस्तेमाल करते हैं स्कर्ट के लिए. तो स्कर्ट का जो स्टेप्स है वो पहला नंबर का है कि हम पहले फैब्रिक कट करेंगे, सेकेंड हम प्लेट सेट करेंगे, थर्ड नंबर पर हम प्लेट्स पे स्टिचिंग करेंगे, उसके बाद हम सेंटर फ्रंट एंड सेंटर बैक में टक्स लगाएंगे, देन हम सेंटर फ्रंट एंड सेंटर बैक पे वेस्ट बेल्ट अटैच करेंगे, फिर हम वेस्ट बेल्ट के साथ योक पे प्लेट्स सेट करेंगे और फिर साइड में सिलाई करेंगे, स्टिचिंग करेंगे, फिर हम फिनिशिंग देंगे जिप और हुक से. चलिए अब हम स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं आज की क्लास. गाइस क्लास शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. सो स्क्रीन पे देख रहे हैं हमने प्रीवियस वीडियो में आपके साथ शेयर किया था इस तरह से कैसे हम डिज़ाइन करते हैं, ड्राफ्ट करते हैं और फिर इस ड्राफ्टिंग से हम पैटर्न कटिंग करते हैं. और अब हम फैब्रिक पे कटिंग करके स्कर्ट रेडी करेंगे सिंपली स्टेप बाय स्टेप. और सभी के लिए ये वीडियो बहुत आसान होगा. सो गाइस अगर आप आने वाले दिनों में अपने आप को एक बेस्ट फैशन डिज़ाइनर के रूप में देख रहे हैं और आपका सपना है कि आप बेस्ट फैशन डिज़ाइनर बने, तो हमने आर्ट इन डिज़ाइंस बाय मिराज ने वुमेंस और गर्ल्स के लिए बहुत अच्छा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रेडी किया है और वो हम शुरू करने वाले हैं 21 अगस्त से. लाइव क्लासेस रहेगी और ये रहेगी बहुत इंटरेस्टिंग आप सभी के लिए और आपके टाइम पर जब आप फ्री होते हैं. सो गाइस बी रेडी फॉर दैट. और अगर आपको स्पेशल ट्रेनिंग करना चाहते हैं और अगर आप सर्टिफिकेटेड कोर्स करना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिएगा और रजिस्ट्रेशन ओपन है 4th बैच के लिए. तो चलिए अब देखिए हमने फैब्रिक कट कर लिया है, अब इस फैब्रिक को हम प्लेट्स के साथ सेट करेंगे. तो प्लेट्स सेट करने से पहले हम पहले कट करने वाले हैं सेंटर फ्रंट एंड सेंटर बैक. और गाइज आपको पता होगा कि ये स्कर्ट्स जो बन रहा है वो बन रहा है बॉक्स प्लेट विथ योक. योक के साथ बहुत इंटरेस्टिंग आप अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अगर आप डिज़ाइनिंग सीख रहे हैं और अगर आप एक अच्छा क्रिएटिव माइंड रखते हैं. तो गाइज अपनी क्रिएटिविटी को जरूर, स्किल को जरूर डेवलप कीजिए वन बाय वन, डे बाय डे. सो इस तरह से आप प्लेट सेट कीजिए जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं. सो प्लेट के मेज़रमेंट बहुत ज़रूरी है गाइज, जब भी आप इस तरह से प्लेट सेट करें जो स्क्रीन पे देख रहे हैं. हमने प्लेट्स जो सेट किया हुआ है बॉक्स प्लेट प्रपोजिशन हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं 1x1, इट्स मीन्स 1 इंच हम राइट साइड फोल्ड करेंगे एंड 1 इंच लेफ्ट साइड. तो इस तरह से फोल्ड करते हुए हम तमाम फैब्रिक को फोल्ड पे कन्वर्ट करेंगे और फिर हम इस फोल्ड पे प्रेस जरूर करेंगे ताकि हमारा बॉक्स प्लेट बहुत अच्छे से रेडी हो जाए. राइट गाइज, फिर हम इस पे एक स्टिच लगाएंगे. स्टिच लगाने से
बॉक्स प्लेट सेट हो जाएगा अपने प्लेस में, बहुत अच्छे तरीके से सेट हो जाएगा। और फिर इसे अटैच करना बहुत आसान होगा, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो जल्दी से हमें इसे पिनअप करते हैं और प्रेस करने के बाद स्टिच करते हैं। तो चलिए हम जल्दी से देखते हैं कि किस तरह से हम कंप्लीट करते हैं आज का स्कर्ट। और गाइज, क्रिएटिव कॉम्पिटिशन्स के लिए लास्ट डेट 15 अगस्त है, और अगर आप इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो जल्दी जल्दी दिए हुए नंबर पर अपना 2 इलस्ट्रेशन क्रिएटिव इलस्ट्रेशन सेंड कीजिए और विनर बनिए आर्ट एंड डिज़ाइन बाय मिराज के कॉम्पिटिशन का, जो कॉम्पिटिशन का नाम है बी क्रिएटिव डोंट बी कॉपी। सो देखिए, पिनअप कर चुके हैं हम, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे इस तरह से। हम पिनअप के साथ यहाँ पे एक मार्किंग करेंगे। अगर आप बिगनर स्टूडेंट हैं तो मार्किंग ज़रूर कीजिएगा, मार्किंग से आपको आइडिया होगा कि आपको कहाँ पे लाइन पे स्टिच करनी है। सो गाइस, इस तरह से मार्किंग कर चुके हैं, अब हम जल्दी से फिनिश करते हैं अपने स्कर्ट को। इस तरह से हमने सेंटर फ्रंट की भी कटिंग कर ली है इस तरह से, राइट। बट हम अटैच करने से पहले इसमें हम टक्स लगाएंगे, जिसे हम डार्ट्स बोलते हैं, और फिनिशिंग होने के बाद फिर हम अटैच करेंगे अपने बॉक्स प्लेट वाले फैब्रिक के साथ। तो चलिए देखते हैं कि हम आगे किस तरह से स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करते हैं इस स्कर्ट को। सो लेट्स स्टार्ट हाउ टू स्टिच। कटिंग का प्रोसेस अब ख़त्म हो चुका है, सो लेट्स बिगनिंग स्टिचिंग। सो स्टिचिंग यहाँ पे शुरू कर रहे हैं हमने मार्किंग पर, जो हमने बॉक्स प्लेट सेट किया था। सो यहाँ पे स्टिचिंग करने के बाद हमारा फैब्रिक जो नज़र आने वाला है वो कुछ इस तरह से होगा। तो बॉक्स प्लेट पे स्टिचिंग लग गई है, अब बारी आती है सेंटर फ्रंट एंड सेंटर बैक, और उससे पहले हम अटैच करेंगे वेस्ट बेल्ट अपने फैब्रिक पे। सो टक्स लगाने के बाद फैब्रिक हमारा कुछ इस तरह से नज़र आएगा, और बनने के बाद बहुत प्रीटी लगता है गाइज, आप अपने लिए ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये हमारे स्टूडेंट को ट्रेनिंग के लिए सैम्पल है, और हम डिज़ाइनिंग सिखा रहे हैं तो हमें शॉर्ट सैम्पल ही बनाना पड़ता है, बट हम ज़रूर शुरू करेंगे बड़े पैटर्न पे बड़े मेज़रमेंट के साथ। आप इसी पैटर्न को आप बड़े मेज़रमेंट पे कटिंग कर सकते हैं और बहुत प्यारा आप स्कर्ट बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमारा सेंटर फ्रंट रेडी है, सेंटर बैक बेल्ट रेडी है। इस तरह से स्टिचिंग करने के बाद, फिनिशिंग करने के बाद ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा गाइस। और अब हम इसे साइड पे स्टिच करेंगे, और उससे पहले हम अटैच करेंगे बेल्ट। तो जल्दी जल्दी अब देखते हैं, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ शेयर करने के लिए, और वीडियो 7 मिनट का हो चुका है, और यहाँ तक बने रहने के लिए दिल से बहुत शुक्रिया। और बॉक्स प्लेट की सेटिंग हमने कैसे की है ये भी आज आपने सीखा, तो मुझे बहुत खुशी है कि आपने बहुत कीमती समय हमारे साथ दिया। और अब हम जल्दी से फाइनली इसे अटैच करते हैं वन बाई वन। तो हमने यहाँ पर सेंटर फ्रंट पर अटैच कर लिया अपने बेल्ट, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। अब हमें फाइनली इसे सब अटैच करना है। तो ये देखिए, हमने सेंटर फ्रंट के साथ बॉक्स प्लेट वाले फैब्रिक अटैच कर लिए हैं। डाउन पे बॉटम पे इस तरह से चौड़ी पट्टी लेंगे और इसे अटैच करेंगे, ताकि बॉटम थोड़ा हैवी होने से इसके लुक बहुत प्रिटी और बहुत अच्छे आते हैं। सो जल्दी से अब मैं शेयर करते हैं, ये हमारा स्कर्ट रेडी है। आई लव टू शेयर यार, आप ज़रूर बनाइएगा और हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा वेयर करके कि आपने ये स्कर्ट कैसे बनाया, और आपको वीडियो कैसा लगा, और हमारे वीडियो में आपको और क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। और आपको अगर कोई नया डिज़ाइन नया पैटर्न सीखना है तो हमारे साथ आप ज़रूर शेयर कीजिएगा, डेफिनेटली डू फॉर यू गाइस। नए नए डिज़ाइन नए नए पैटर्न शेयर करने से और भी क्रिएटिव माइंड एक्टिव होते हैं। तो हमें खुशी है कि हमने ये प्यारा स्कर्ट आप लोगों के साथ शेयर किया, और मुझे यकीन है कि आप सभी बनाएंगे। और ये असाइनमेंट भी है हमारे स्टूडेंट्स के लिए, तो आप सभी को बनाना है, और जो नया बैच है वो भी एलिमेंट ऑफ डिज़ाइंस के ही असाइनमेंट करने हैं। GMT आपने शुरू नहीं की है, और जिन्होंने शुरू की है गाइस, आप सबको बनाना है और शेयर करना है फटाफट हमारे इंस्टाग्राम में। तो ये प्रिटी स्कर्ट फॉर ऑल ऑफ ब्यूटीफुल डिज़ाइनर्स, क्योंकि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो डेफिनेटली वन डे आप डिज़ाइनर ज़रूर बनेंगे। एंड आई लव टू शेयर दिस स्कर्ट विथ एवरीवन। तो यहाँ तक बने रहने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए मिराज की तरफ से तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, एंड थैंक यू सो मच। हैव अ ब्लेस्ड डे, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।